हमारी बड़ी फैमिली हो या छोटी फैमिली हो, एक वॉशिंग मशीन रिक्वायरमेंट होती है। जब भी हम एक वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कितने किलो का वॉशिंग मशीन लेने जाएं। अगर आप किसी शोरूम में जाएंगे या किसी शॉप में जाएंगे तो वहाँ पर फैमिली मेम्बर्स आपसे पूछें कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, बट वहाँ पर जो सेलर होंगे वो आपको बड़े से बड़े वॉशिंग मशीन सजेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको तो बड़े कैपेसिटी का वॉशिंग मशीन सेल करना है आपके लिए। सो गाइस आपको बता दूं, आपको ऐसा कुछ कन्फ्यूज अगर है, आप अगर कन्फ्यूजन है अगर एक वॉशिंग मशीन लेने वाले हो तो आपको सबसे बेस्ट कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए एक वॉशिंग मशीन की। अगर आप 4 से 5 लोग हैं या 6 से 7 लोग हैं या फिर एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर एक वॉशिंग मशीन चूज़ करने वाले हैं और आपको कन्फ्यूजन है कि कितना किलो का वॉशिंग मशीन एक अच्छी रहेगी हमारे फैमिली के लिए, तो आपको एक परफेक्ट बताने वाला हूँ कि आपको कितना किलो का वॉशिंग मशीन अपनी फैमिली के लिए लेना चाहिए, जिसमें आप बेड शीट, छोटे बड़े कपड़े, जीन्स के कपड़े, किसी भी टाइप के चद्दर, एक कार्टन वगैरह सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से धुल सकते हैं और आपका वॉशिंग मशीन एमपीटी रहेगा और अच्छे से क्लीन होगा, जिससे आपका वॉशिंग मशीन कपड़े होंगे अच्छे से क्लीन हो पाएंगे। गाइस क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि बड़ी फैमिली होती है और वॉशिंग मशीन छोटा लेके आ जाते हैं। जब वॉशिंग मशीन छोटा लेके आते हैं तो अब जो वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हैं तो पूरा वॉशिंग मशीन भर जाता है। अगर 6 किलो का वॉशिंग मशीन ना है और 6.5 किलो कपड़े हो गए तो वॉशिंग मशीन पूरा भर जाता है, जिससे कपड़े अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते। तो ये भी कंप्लेन करते हैं कस्टमर्स कि हमने वॉशिंग मशीन जो लिया प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, अच्छे से कपड़े साफ नहीं कर रहा है। आपको बता दूं, वॉशिंग मशीन जब भी आप लेते हैं, अगर 6.5 किलो का वॉशिंग मशीन है तो आप उसमें 5 किलो कपड़े अगर डालेंगे तो प्रॉपर तरीके से क्लीन होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। गाइस अगर आपको लगता है कि 6 किलो वॉशिंग मशीन है और उसमें 7 किलो कपड़े डाल देंगे तो आपका वॉशिंग मशीन लोड नहीं लेगा और वॉशिंग मशीन चलेगा नहीं, अगर चलेगा भी थोड़ा बहुत तो आपके कपड़े क्लीन नहीं करेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम इश्यू हो सकते हैं आपके वॉशिंग मशीन के अंदर। सो गाइस ये चीज़ आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको बताने वाला हूँ कितने फैमिली मेम्बर्स के लिए कितना किलो का वॉशिंग मशीन बेस्ट रहता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अगर आपसे 3 से 4 लोग की फैमिली है तो आपको वॉशिंग मशीन कौन सी लेना चाहिए। 3 से 4 लोग अगर हैं, उसमें 1-2 बच्चे हैं, तो आपको वॉशिंग मशीन 6 से 7 किलो का वॉशिंग मशीन सबसे बेस्ट है, जो टॉप लोड में ले सकते हैं या फिर सेमी ऑटोमेटिक ले सकते हैं या फिर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, जो भी आप कैटेगरी चूज़ करना चाहें ले सकते हैं। आपको 7 से 8 किलो का वॉशिंग मशीन सबसे बेस्ट रहेगा, जिसमें आप बेड शीट धुल सकते हैं, आप 4 से 5 जीन्स एक साथ डाल सकते हैं, टी शर्ट वगैरह जो भी वो भी डाल सकते हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म्स हैं वो भी उसमें आप धुल सकते हैं वन टाइम में। ये चीज़ होती है एक मिडिल फैमिली की। अगर एक बड़ी फैमिली है जिसमें आपको 8 से 9 लोग हैं, उनके लिए कितनी बड़ी वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, उनके लिए वॉशिंग मशीन होती है 9 से 10 किलो का वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, जो एक अच्छा खासा सिंबल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डबल डबल कपड़े हो सकते हैं, तो डबल बेड शीट हो सकते हैं, ज़्यादा पैंट्स हो सकते हैं, ज़्यादा कर्टन हो सकते हैं, इस सारी चीज़ के लिए जो वॉशिंग मशीन होगा उसका बड़ा ड्रम होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपको 9 से 10 किलो या 11 किलो का वॉशिंग मशीन लेना सबसे बेस्ट रहेगा, जिसमें कैपेसिटी अच्छी मिल जाएगी और एक टब बड़ा मिल जाएगा जिसमें आपके कपड़े अच्छे से धुल पाएंगे। अगर इसके बाद आपको लगता है कि हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बड़ी है, एक जॉइंट फैमिली है जिसमें 10 से 12 या 15 लोग हैं, तो आपको बता दूं एक बड़ी कैपेसिटी का वॉशिंग मशीन चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि बोलते हैं कि हम छोटा वॉशिंग मशीन ले लेंगे, उसमें 2 बार या 3 बार कपड़े धुल लेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है, आप 2 से 3 बार रिस्टार्ट करके या दोबारा चला के वॉशिंग मशीन चला करके आप बार बार कपड़े धुल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा भी वॉशिंग मशीन ले सकते हैं, बट आपको रूटीन करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। इससे बेटर है आप बड़ा टब वाला वॉशिंग मशीन जो 14 किलो से लेकर के 16 किलो के बीच में आता है वो आप परचेज़ कर लीजिए, जिससे पूरे फैमिली के कपड़े एक साथ आप धुल सकते हैं, जो काफ़ी बेटर है। उसमें आप 2 से 3 चद्दर डाल सकते हैं, बेड शीट वगैरह जो भी हो वो सारी चीज़ एक साथ में धुल सकते हैं, प्लस बच्चों के जितने भी यूनिफॉर्म्स होंगे, सॉक्स वगैरह होंगे, छोटे कपड़े बड़े कपड़े जितने भी होंगे सारे चीज़ एक साथ धुल सकते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन है, जिससे आपका पावर, लाइट बिल सारी चीज़ बच जाएगा। वही छोटे अगर वॉशिंग मशीन आपने ले लिया छोटे कैपेसिटी का, तो आप बार बार चालू करें, जिससे पावर बिल तो ज़्यादा आने वाला है, बट वहीं पर आपको इस चीज़ में आपको पावर बिल ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि वन टाइम में सारी चीज़ हो जाने वाली है। तो ये चीज़ें होती हैं एक वॉशिंग मशीन परचेज़ करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें कैपेसिटी वाला कितना लेना चाहिए। सो गाइस ये प्रॉब्लम होती है अगर एक सही वॉशिंग मशीन सही कैपेसिटी वाला नहीं लेते हैं। तो आई होप सारी चीज़ आपको पता चल गई होगी, कितना किलो का वॉशिंग मशीन लेना चाहिए, कितना किलो का नहीं लेना चाहिए। इसमें ये मायने नहीं रखता कि वॉशिंग मशीन टॉप लोड है कि फ्रंट लोड है या फिर सेमी ऑटोमेटिक है, तीनों कैटेगरी में से कोई भी वॉशिंग मशीन हो सकता है। सेमी ऑटोमेटिक की बात करें, सेमी ऑटोमेटिक में ड्रम का साइज़ जो है ना काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें 1-2 साइज कपड़े ज़्यादा डाल सकते हैं। बाकी आप टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक बात करें और जब फ्रंट लोड की बात करें, तो उसमें अगर 7 किलो का वॉशिंग मशीन है तो आप उसमें 7.5 किलो वॉशिंग मशीन में कपड़े फिल नहीं कर सकते। ऑटो सेंसर होता है, ऑटो लोड होता है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन
चलेगी नहीं, एरर बता देगी कि आपका वॉशिंग मशीन ओवरलोड है। इसके लिए आपको एक वॉशिंग मशीन अच्छा और सही लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे आपको लॉन्ग लास्टिंग चला सके और अच्छे से वर्क कर सके, आपके कपड़े क्लीन हो सके। आई होप सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि कितना किलो का वॉशिंग मशीन आपके फैमिली के लिए रिक्वायरमेंट होता है। आप बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि एक से दो लोग होते हैं, तो उनके लिए बता दूं 6 से 7 किलो का वॉशिंग मशीन भी ले सकते हैं। जो छोटी फैमिली से होता है तो वो छोटी फैमिली के लिए छोटा वॉशिंग मशीन परचेज कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में कुछ इतना ही था। वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की आपकी वीडियो मेरे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नए वीडियो पर। थैंक यू।